धर्मपुर में दो बसों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसके चलते बसों में सवार करीबन 36 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें धर्मपुर अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा धर्मपुर के समीप मंगोटी मोड़ पर हुआ। हैरानी वाली बात यह है कि ये दोनों बसें एक ही मालिक की हैं और दोनों तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसकी आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अधिकतर सवारियां चोटिल हुई हैं। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के दरोच ने बताया कि दो बसों की आमने सामने टक्कर हुई थी। हादसे में घायल लोगों को 108 आपातकालीन सेवा द्वारा धर्मपुर के अस्पताल में लाया गया। धर्मपुर के अस्पताल में कुल 36 घायलों को लाया गया था, जहां उन्हें उचित उपचार दिया गया और ज्यादा गंभीर 4 घायलों को सोलन के अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिनका इलाज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर घायलों को छुट्टी कर दी गई है, लेकिन करीबन 15 घायलों को एहतियातन अभी छुट्टी नहीं की गई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर धर्मपुर में लगभग 38-40 पेशेंट्स जो है वो लाए गए। दो बसों में हेड ऑन कोलिजन हो गया था, उससे जो चोटिल हुए पेशेंट्स थे उनको धर्मपुर में लाया गया। धर्मपुर में हम 3 डॉक्टर मौजूद थे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वहीं पे प्रेजेंट थे। उनको सारी ही ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ट्रीटमेंट दी गई। उनमें से 5 पेशेंट थोड़े ज़्यादा घायल थे, जिनको स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत थी। स्पेशलिस्ट ओपिनियन के लिए 5 पेशेंट्स को रीजनल हॉस्पिटल सोलन में रेफ़र किया गया है, जिसमें से 4 पेशेंट हमारे यहाँ पे रीजनल हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं और उनको ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। सभी पेशेंट्स स्टेबल हैं। सीएससी धर्मपुर में लगभग जो है 15 पेशेंट्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखे गए हैं, बाकी पेशेंट्स को माइनर इंजरीज हैं और जो 4 रेफर किए गए हैं यहाँ पे जो RH सोलन में पहुँच गए हैं, उनको अंडर ट्रीटमेंट जो है वो ENT ओपिनियन के लिए भेजे गए हैं, तो वो अभी वार्ड में एडमिट किए गए हैं।